साकी क्वेरी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, काफी डिफरेंट रोटेशन देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका हैंड कैम एंड लुक एट दोस फास्ट फिंगर मूवमेंट्स, टू फिंगर थ्री फिंगर खेल रहे हैं, आई गेस यस थ्री फिंगर खेल रहे हैं, फोर्थ फिंगर अभी तक मुझे मैप्स टू गो। एंड मीन वेल यहाँ पे फनेटिक के एक तरफ आ चुकी है 4 AM की टीम एंड इन लोग नेट को कर रहे हैं। फनेटिक के दो तीन प्लेयर एक साथ फिनिश हो सकते हैं अगर ये नेट सही से आके गिर गया। ये नेट आया है टोना को पिकऑफ किया, देख सकते हो ये सेस्नोवा का क्या एक्यूरेट नेट। यहाँ पे स्नो स्वेनो पिक ऑफ करना चाह रहे थे स्काउट को, पर वेस एंड नॉनक द डुओ गेटिंग नॉक। मीनवेल मॉर्टल वहां पे एसजी के सिर्फी को पिक ऑफ करते हुए स्काउट यहाँ पे ओपन में, स्काउट का स्प्रे आया बहुत ही बेहतरीन स्प्रे DP28 का पिक ऑफ कर में कन्वर्ट किया उन्होंने अपने उसको एंड यहाँ पे ऑर्डर समा बच गया एंड ऑर्डर गेट्स नॉक्ड वहां पे 4 AM के पैराबॉय आते हुए साइको पिक ऑफ करेंगे एंड यहाँ पे 4 AM के दो प्लेयर्स डाउन है। यहाँ पे सोनोबो को आना होगा उनकी जो स्टार असॉल्टर है बिकॉज 4 AM इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। 22 पॉइंट्स हालांकि उनके पास है। यहाँ पे एक नेट आता है पीछे से कूल बॉय जीबी पैराबॉय तीनों पुश करते हुए पैराबॉय को नॉक किया, कूल बॉय नीचे से लेफ्ट साइड से आ रहा है, डोंट नो सोनोबो ने देखा इन्हें देखा सुख भी बचा है सो इट्स अ 4v2 सिचुएशन। जीबी को उन्होंने नॉक किया लेफ्ट से कूल बॉय आते हुए एंड अगर एक्सपीरियंस्ड मैन इन द टीम सोल राइट नाउ यप आई गेस एक्सपीरियंस मैन बट देन काफी स्प्लिट खेले हैं। पर यहाँ पे असाकी का बहुत ही प्यार नेट, दो प्लेयर को एक साथ चाइनीज टीम्स के नेट्स इतने ऑन पॉइंट नेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि मतलब यू नो वी कैन नॉट क्या ही नेट्स आ रहे हैं उनके, यू नो मेजोरिटी ऑफ द किल्स दोनों ही टीम्स 4 AM और XQF कितने सारे अमन पिकअप हुए हैं 4 AM के 333 सेनोवो से एंड हो सकता है इन पे बहुत जल्दी पुश आ रहा हूं वहां पे जिन्हें पुश कर रहे हैं मल्टीपल लेट्स मॉलीज एंड एवरीथिंग कमिंग आउट वहां पे। मीनवाइल DKG के मॉक्सी ने पिकअप किया SG के सिर्फी को, दोनों इंडियन टीम्स के एक एक प्लेयर्स डाउन है वहां पे। 4 AM के प्लेयर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अमन को हील अप होना बहुत जरूरी है और एल सोल माइट गेट थर्ड पार्टेड पीछे से। एग्जैक्टली यहाँ जंपर भी ऑरेंज के पॉफ पॉफ को फिनिश ऑफ करते हुए तो अभी हम लोग को बहुत सारे फाइट देखने को मिलेगा एंड सीने का एक बहुत ही बेहतरीन नेड यहाँ पे वाइपर को नॉक करते हुए अमन को करते हुए फिनिश एंड यहाँ पे लियोन भी शॉट्स लेते हुए DKG के ML स्कू को नॉक करते हुए एंड रॉड फ्लेट ने वहां पे मैच जीजी को नॉक कर। अगर आप नोटिस करोगे कितना ज्यादा क्राउडेड है SG की टीम भी मुझे सही दिख रही है, उन लोग ऊपर की तरफ से रोटेट करना चाह रहे हैं जहाँ पे काफी खाली है। यहाँ पे मल्टीपल नेड्स आए ऑरेंज लियोन ऑरेंज के स्क्वाड की तरफ से और एक नेड है असाकी को नॉक किया, यह ऑरेंज पुश करेगी 4 AM पे। बहुत इंटरेस्टिंग पुश होगा, देखना होगा क्या 4 AM इस पुश को अगर होल्ड बैक करते हैं, अगर 4 AM इस पुश को भी होल्ड बैक करते हैं देन बिलीव मी देयर इज नो स्टॉपिंग 4 AM एंड आल्सो मीनवाइल कूल बॉय ने और एक नेट से यूडो के ड्रेक्स को नॉक किया। एग्जैक्टली कि यहां पे अभी यूटिलिटीज का जिस प्रकार से यूज कर टीम इज काइंड ऑफ यू नो वर्थ कमेंडिंग एंड यहाँ पे नेड्स डाल रहे नॉक कर रहे इंस्टेंटली पुश इन कर रहे हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग एंड यहाँ पे ऑलरेडी नॉक हो आई थिंक जिनियन ने एक बंदे को नॉक कर दिया फायर को, स्काउट वहां पे फिनिश हो चुके ऑर्डर के द्वारा, स्पेक वहां पे नेट से नॉक करते हुए, जूटे ने खुद को ही नेट से फिनिश कर दिया, डार्ली हाउएवर नॉकिंग डाउन पैराबॉय बट जीने यहाँ पे स्पॉट करेगा यहाँ पे बट आई थिंक 4 AM के पास बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास बहुत अच्छा चांस है कि इन लोग यहाँ पे सारे टीम्स को मात देके इस टूर्नामेंट पे नंबर वन स्पॉट रीगेन करे। यहाँ पे यूडो के पास उन लोग यस एंड यूडो के नॉक करते हुए यूडो के फ्रेडो को एंड डेफिनेटली हसा की सुख जीने और स्वेनोवो इन लोग पुश करेंगे डेफिनेटली वहां पे 4 AM के जीने ने थोड़ा सा अपने लिए राइट में स्पेस बनाया है वहां पे पिकअप कर रहे यूडो के मैन प्रैंक को, बहुत ही प्यारा हेड शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की बट देन केयरफुल यू नो होते हुए बट यहाँ पे 4 AM के हसाकी यहाँ पे यूडो के मैन परंग को फिनिश ऑफ करते हुए पता है दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द ग्लोबल लेवल बट यहाँ पे 4 AM के स्वेनोवो का नेट भाई क्या ही नेट करते हैं चाइना के टीम्स। अगर आप देख रहे हो अभी जैसे कि मेगा पे भी उन्होंने एक नेट दिया था इतने एक्यूरेट नेट यू नो ये गेम को काफी चेंज कर दिया, अगर आपके पास थ्रोएबल अच्छे हो एंड आपको उनको बहुत ही सही तरीके से यूज करना होता है। Exactly, तो बंदे अलाइव है 5 किलो ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। XQF इज आल्सो अलाइव, 4 AM इज आल्सो अलाइव। 4 AM के जीने ने यहां पे यूडो के ड्रैक्स को पिक ऑफ किया, यहां पे डेफिनेटली वो फिनिश भी होंगे बट यहां पे द बेस्ट थिंग है सिनर्जी जिस तरह का मेटल दिखा रही है जिस तरह से वो खेल रहे हैं 5 पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं, दे हैव दे स्टिल हैव 4 मैन एंड दे आर स्टिल इनसाइड द जोन सो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड फाइट और गुड शो फ्रॉम सिनर्जी। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे स्टार्टिंग ऑफ द गेम में देख रहे थे हम लोग काफी रिलैक्स लग रहे थे, प्लेयर्स काफी एंजॉय कर रहे थे।